अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए हमने पहले ले लेना है ऑयल। ऑयल मैंने ये जो डोई है ये चार डोइयाँ ले ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने दो प्याज ली हैं और उनको बारीक बारीक काट दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है और लाइट ब्राउन सी हो चुकी है। थोड़ी सी मैं निकाल लूँगी ऊपर से। जब पुलाव तैयार हो जाएगा तो ऊपर से ऐड कर देंगे। इस तरह साइड पे निकाल के थोड़ी सी रख लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। मैंने कुटा हुआ लहसुन लिया, आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। लहसुन मैंने 1 टेबल स्पून लिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। जब लहसुन हमारा अच्छी तरह भून जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अपने गर्म मसाले। 2 टेबल स्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 लौंग। अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ लाल मिर्चें जो कि मैंने 3 से 4 अदद ली हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर 2 से 3 बारीक बारीक काटे हैं और हरी मिर्चें 3-4। साथ ही मैं इसके ऐड करूँगी सॉल्ट 2 टेबल स्पून। पहले मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी, फिर उसके बाद जब मैं राइस डालूँगी फिर अगर मुझे कम लगा तो फिर और ऐड करूँगी। अब इसमें मटर डालेंगे। मैंने मटर 1 kg लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी मैंने 1 कप लिया। पानी में बाद में और ऐड करूँगी, अभी मैंने मटर गलाने के लिए 1 कप ही डाला है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे कि मटर हमारे गल जाएं। यहाँ पर मैंने राइस ले लिए हैं 5 कप और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। कप मैं आपको दिखा देती हूँ। मटर हमारे देख लेते हैं कि गल गए हैं कि नहीं। अब इसको मैं तपा के देखूँ, मटर जो है वो हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसमें अपने तमाम राइस ऐड कर दूँगी। राइस जो हैं वो सारे मैंने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच जो है वो ज़ोर से मत चलाइएगा वरना चावल टूट जाएंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और कितना ऐड करूँगी ये बता दूँ कि ये जो चम्मच है ये जो है यहाँ तक आना चाहिए पानी। ये अभी 5 गिलास के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे कि पानी थोड़ा हमारा खुश्क होने लगे। अभी देखें अब मैं पानी खुश्क होने लग गया है और अब मैं नमक इसका जो है वो चखूँगी। अगर नमक कम लगेगा तो मैं 1 टेबल स्पून और ऐड कर दूँगी। अगर आपको अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रखना है या कम रखना है जैसा आपको मुनासिब लगे। मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें और डाल दिया। तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है इसमें सॉल्ट ऐड हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने जो प्याज अलग से निकाल के रखी थी, तल के जो निकाली थी, अब वो मैं ऊपर से इस पर डाल दूँगी।
और इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे दम देंगे। राइस हमारे दम आ चुके हैं। मटर पुलाव को हम साइड से हल्के हल्के चेक करेंगे कि हमारे राइस जो है वो गल गए हैं कि नहीं। ये अच्छी तरह दम आ चुके हैं और ये देखें कितने खिले खिले से बने हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। मटर पुलाव हमारी तैयार है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मटर पुलाव कैसे लगे। मटर पुलाव के साथ आप अचार रख लें, रायता रख लें, चाहे तो कबाब रख लें। मैंने सैलेड के साथ कबाब रखे हैं।